जैसे हम आपको कल जो प्रोराटा जो बताए थे क्वेश्चन कि कहने का मतलब क्या हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन अगर रहे तो हम उस स्थिति में क्या करें। हम आपको बताए थे क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में हम लोग करते क्या है कि हमारे पास दो ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन क्या होता है कि हम लोग क्या करते कि जितना भी ओवर है ना उस ओवर को हम लोग वापस करते, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम लोग प्रोराटा बेसिस पर हम लोग अलॉटमेंट करते। और कल हम लोग पढ़े भी थे, यानी जो जितना मांगा था उसको उतना दिए थे और कुछ ज्यादा मांगा था तो उसको हम लोग कम दिए थे, यानी ग्रुप वाइज क्वेश्चन। अब उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हो कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे क्या करें। तो हम आपको कल यह भी बात बताए थे कि हम लोग एक एनालिसिस टेबल बना लेते हैं, और एनालिसिस टेबल बनाने से फायदा क्या है कि हमको फंसने का डर नहीं रहता, यानी क्वेश्चन हमारा इजी वे में बन जाता है। जैसे एक मिनट, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास यहां पे क्वेश्चन है, जैसे यहां पे क्वेश्चन है, हो यहां पे क्वेश्चन हमारे पास है, जेड लिमिटेड ने दस रुपया वाला 40,000 इक्विटी शेयर, 40,000 इक्विटी शेयर जनता के समक्ष जारी किया, ये बात समझ में आ रहा है। 40,000 व्यक्ति क्या करता है, शेयर जारी करता है, यही ना है। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, यह शेयर 2.5 रुपया प्रीमियम पर जारी, 2.5 रुपया प्रीमियम पर जारी किया। तो 2.5 रुपया प्रीमियम पर जारी किया, इसका मतलब क्या हुआ, यह जो शेयर जारी किया 12.5 रुपये में जारी किया हो, बात तो समझ में आ रहा है। यानी 10 रुपये वाला शेयर है और हमने क्या किया कि 2.5 रुपया प्रीमियम पर हमने जारी किया। 2.5 रुपया प्रीमियम पर जारी किया, इसका मतलब क्या, 2.5 रुपया बढ़ा के जारी किया हो, 2.5 रुपया बढ़ाई के ना जारी किए, इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया 12.5 रुपया में शेयर की बात समझ में आ गया होगा, तो क्लियर है। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, ये जो कंपनी है ना, जो कंपनी अपना रकम इस प्रकार मांग, कंपनी अपना रकम इस प्रकार मांगती है, थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, एप्लीकेशन जहां पे क्वेश्चन में हो, एप्लीकेशन हमारा 2 रुपये, अलॉटमेंट हमारा 4.5 रुपये, और फाइनल कॉल 6 रुपये, फाइनल को 6 रुपया, और यहां पे दिया है कोस्ट में प्रीमियम सहित, अगर नहीं भी देते नहीं बात तो हम लोग प्रीमियम किस पर मानते हो, अगर क्वेश्चन ही नहीं भी कहते तो हम लोग प्रीमियम किस पर मानते, क्लियर है। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा, हो यहां पे क्वेश्चन है क्या,
ज्यादा आवेदन आने के कारण एप्लीकेशन आने के कारण कंपनी शेयर का अलॉटमेंट इस प्रकार करती है। शेयर का जो अलॉटमेंट जो है ना वो कंपनी किस प्रकार करती है, जिसमें पहला ए नंबर है वो ए नंबर 20,000 जो एप्लीकेशन दिया है उससे 10,000 शेयर, क्लियर है? जो 20,000 एप्लीकेशन दिया है उसको हम कितना शेयर दे रहे हो, क्लियर है? और बी कंडीशन जो है 56,000 जो एप्लीकेशन दिया है उससे 14,000 क्लियर है? यानी जो 56,000 एप्लीकेशन दिया है तो क्लियर है, तो बात बुझाया, बड़े आगे एक मिनट। और यहां पे क्वेश्चन है सी नंबर 10,000 एप्लीकेशन को सारा शेयर। थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। क्वेश्चन में यहां पे कह रहा है क्या, सारा शेयर कहता है एप्लीकेशन का जो भी ज्यादा पैसा मिला है उससे एडजस्ट किया जाएगा उससे ज्यादा को अलॉटमेंट के बाद लौटा दिया जाए। एक मिनट। और फिर कहता है क्या, ग्रुप ए में मोहन एक व्यक्ति है जिसके पास 1,000 शेयर है अलॉटमेंट से रकम नहीं दिया, बाकी सारा रकम फाइनल कॉल तक मिल। अच्छा एक मिनट, मेरा बात आप थोड़ा सा समझिए, वो जो डिफॉल्टर है ना, उस डिफॉल्टर का मेरे समझ से
अलग वर्ग नोट कर लिया। आप यहां पे बात करना समझे, यहां पे बात आप समझिए। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा ना, तो इस क्वेश्चन में यह बात नहीं लिखा है कि कितना एप्लीकेशन आया, क्वेश्चन में लिखा है। लेकिन एप्लीकेशन तो हम यहां पे निकाल ही सकते हो, 20,000 जो एप्लीकेशन दिया उसको कितना शेयर दिया, जो 56,000 एप्लीकेशन दिया उसको कितना शेयर दिया, और जो 10,000 एप्लीकेशन दिया उसको कितना दिया हो, यानी टोटल एप्लीकेशन हमें कितना मिला होगा, वो 86,000। 10,000, 56,000, समझ में आ रहा है? तो क्लियर है, यानी एप्लीकेशन हमारे पास टोटल कितना आया हो, टोटल एप्लीकेशन हमारा कितना आया, और हम शेयर दिए कितना, 10,000 और 14,000, 24,000 और 24,000 और 10,000। यानी कहने का मतलब क्या कि हमारे पास टोटल एप्लीकेशन 86,000 आया ना, तो हमें शेयर अलॉट कितना करना है, वो अब थोड़ा सा एक मिनट, कि ग्रुप बाई ग्रुप क्वेश्चन है ऊपर भी पढ़े थे। हम एक एनालिसिस टेबल बनाए, लेकिन एक बात, ये जो ग्रुप बाई ग्रुप क्वेश्चन है ना, तो कले वाला क्वेश्चन में कोई आदमी डिफॉल्टर नहीं था। कल वाला क्वेश्चन आप देखिएगा तो वहां पे कोई आदमी डिफॉल्टर नहीं था, लेकिन आज के क्वेश्चन में ग्रुप ए में मोहन है, जो चीज इसके पास कितना शेयर है, अलॉटमेंट का रकम बात बुझा रहा। तो ये जो डिफॉल्टर है ना, ये जो डिफॉल्टर है, इसका हम वर्किंग नोट कर लेंगे, इसका वर्किंग नोट कर लेंगे हम यहां पे सॉल्यूशन जो बनाएंगे ना, सॉल्यूशन। अब यहां पे वर्किंग नोट जो करेंगे, वर्किंग नोट जो हम लोग करेंगे, और मोहन 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 यानी मोहन के लिए वर्किंग नोट करेंगे। इसके पास कितना शेयर है, वो 1,000 शेयर है, तो 1,000 शेयर से इसका मतलब है अलॉटमेंट है, 1,000 शेयर है इसका मतलब 1,000 शेयर उसको दिए हैं, तो हमारे पास ही क्या दिया है, अलॉटमेंट दिया है। तो जहां अलॉटमेंट दिया रहता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन निकालते हैं, और जहां एप्लीकेशन दिया रहता है हम लोग वहां पे क्या करते हैं, अलॉटमेंट निकालते हैं। तो 1,000 हमारे पास क्या दिया हो, अलॉटमेंट दिया है, तो अलॉटमेंट दिया है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना होगा, वो अब कहेगा एप्लीकेशन क्यों निकालेंगे सर, हो जब तक आप एप्लीकेशन नहीं निकालिएगा तो एप्लीकेशन कितना मिला ही पता चलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन निकालते हैं। क्लियर है, यहां पे 1,000 क्या दिया हो, अलॉटमेंट दिया है, तो अलॉटमेंट दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, वो अलॉटमेंट दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एप्लीकेशन निकालेंगे। तो एप्लीकेशन निकालेंगे तो हमारे पास अलॉटमेंट दिया था, चूकी हम यहां पे लिखेंगे चूकी अलॉटमेंट, तो इसके लिए ग्रुप ए में टोटल जो अलॉटमेंट है ना, टोटल अलॉटमेंट देखिए यहां पे 20,000 है, तो कितना शेयर दिया हो, यानी अलॉटमेंट कितना है, एप्लीकेशन कितना है, यानी यहां पे अलॉटमेंट हमारा कितना है, टोटल 10,000, तो एप्लीकेशन है कितना हो, तो एप्लीकेशन कितना है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अभी जो अलॉटमेंट 10,000 है ना, अलॉटमेंट 10,000, तो उस व्यक्ति का अलॉटमेंट है कितना, 1,000, तो एप्लीकेशन कितना होगा, 20,000 बटा 10,000 गुने, यानी कितना हो जाएगा, वो 2,000 एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन 2,000 होगा ना, इसका मतलब क्या, इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को, मेरा बात आप समझिएगा,
व्यक्ति को, इस व्यक्ति को एनालिसिस टेबल में, एनालिसिस टेबल में अलग जगह देंगे, अलग जगह देंगे। ये डिफॉल्टर है, वो बाहर उनके साइड करेंगे ना, समझे बात? रेगे अलग कुर्सी हम लोग दे देंगे, समझ रहे हैं? हाँ, अलग जगह दे देंगे। हाँ, अभी अलग जगह हम लोग कैसे देंगे वो थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए। हम यहां पे एनालिसिस टेबल बनाएंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे, एनालिसिस टेबल। मेरा बात आप समझिए। ओ, ये आपका ग्रुप होगा, ग्रुप में ना होगा, ग्रुप होगा। यहां पे क्या लिखिएगा? एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव। और यहां पे क्या लिखिएगा? वो ट्रांसफर टू, ट्रांसफर, ट्रांसफर टू कैपिटल। और यहां पे क्या लिखिएगा? वो अगर कोई रिफंड होने वाला होगा तो रिफंड कीजिएगा। क्या हो, किसी को नहीं दिया होगा तो रिफंड कीजिएगा। अब यहां पे क्या लिखिएगा? वो अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट देगा ना, रकम लिखिएगा। ये बड़ा है, एक मिनट। और यहां पे क्या लिखिएगा? वो फाइनल कॉल, फाइनल कॉल ना लिखेंगे। और यहां पे लास्ट में अगर कोई भी रिफंड होने वाला होगा, तो बड़े। अच्छा, ग्रुप ए में कितना एप्लीकेशन था? 20,000 लिखिएगा, दिक्कत हो जाए। क्या कि जो डिफॉल्टर था ना, वो करेंगे अलग साइड पर लीजिए। तो डिफॉल्टर वाला कितना था? वो तो एप्लीकेशन कितना हुआ? और 18,000 गुना दू, यानी कितना मिला होगा? कैपिटल में हम भेजे कितना होंगे? वो 9,000 गुना बराबर 10,000 आधे न दिए हैं। मेरा एप्लीकेशन कितना दिए, कितना है वो? 9,000। 20,000 था तो दिए थे कितना? हो 10,000, जिनमें से 1,000 उधर निकल गया, यानी 2,000 एप्लीकेशन निकल गया। समझ में आ रहा? अब एक मिनट, ट्रांसफर टू कैपिटल। अब थोड़ा सा मेरा बात समझिए, इसको कुछ और रिफंड अभी कर रहे हो? नहीं कर रहे। आगे चलिए, अलॉटमेंट मांगेंगे, अलॉटमेंट मांगेंगे। एक मिनट, एक एक्सेस का भी कॉलम बना लेंगे तो ज्यादा ठीक है। क्या एक्सेस का कॉलम? ओ, एक्सेस का कॉलम बनाएंगे तो हमें ठीक रहेगा। यहां पे ये एक्सेस हो जाएगा क्या, और यहां पे अलॉटमेंट हो जाएगा तो बड़े। तो देखो, तो इसका मिला कितना हो? कितना बाद? 18,000। एक्सेस कितना रहा? अब इस व्यक्ति से अलॉटमेंट मांगेंगे। अरे, अलॉटमेंट मांगेंगे ना इस व्यक्ति से? इस व्यक्ति से अलॉटमेंट मांगेंगे तो 9,000 × 4.5, 9,000 × यही ना करेंगे तो 9 × 4.5 = 4,500, 40,000। तो एक्सेस मेंटेन कितना होगा? वो एक्सेस मेंटेन होगा 18,000। अब बाकी पैसा क्या आएगा? बैंक में आएगा कितना? 22,000। समझ गया? अब इस व्यक्ति से फाइनल कॉल मांगेंगे।
फाइनल गोल मांगेंगे तो 9000 गुना बराबर कितना होगा वो? इसका कोई एक्सेस है नहीं है तो क्या कीजिएगा? सारा का सारा पैसा कहाँ आएगा? बात समझ में आया? इसका कोई पैसा रिफंड होगा? नहीं होगा। आना चाहिए सर, ये बड़ा है। देख मैं आज सुविधा के लिए खेल है, आज इतना ही पड़ा है। हाँ समझे?